In the last video, we were discussing about if a body dropped from some height. इसमें कोई बॉडी ही ड्रॉफ्ट की जा रही थी सम हाइट से. नेक्स्ट केस है हमारे पास, इफ़ ए बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी. अब इस बार क्या है, हमारे पास जो बॉडी है वो डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड की जाती है सम इनिशियल वेलोसिटी से. उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब यू की वैल्यू कुछ होगी. इन लास्ट में क्या था, फर्स्ट जो केस था उसमें कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी और इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी. बट यहाँ क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन वही रहेंगे एज इट जो होते हैं. बस करना क्या है हमें, जो इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशन हैं उसमें ए के प्लेस पर जी रखना है और एस के प्लेस पर एच रखना है. ठीक है, तो b इक्वल यू प्लस ए टी होता है फार्मूला, तो b इक्वल यू प्लस ए के प्लेस पे g हो जाएगा जी टी. इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. व्हाट इन प्लेस ऑफ s बी पुट हियर h, h इक्वल यू टी हाफ जी टी स्क्वायर. नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू जी एस और एच एन इक्वल यू प्लस हाफ जी टू एन माइनस वन. आप ये जो चारों इक्वेशन हैं लर्न कर लेंगे, वेरी हेल्पफुल हैं फॉर द सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केस थर्ड, इफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. इस बार बॉडी क्या है हमारे पास, हम प्रोजेक्टेड कर रहे हैं बॉडी को अपवर्ड ऊपर की कंडीशन में. ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है. ठीक है, अर्थ है. और यहाँ से हमने क्या किया है, इस बॉडी को क्या किया है, प्रोजेक्टेड किया है वर्टिकली बिल्कुल. ठीक है, अपवर्ड ऊपर कंडीशन में बिल्कुल. तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसे अपवर्ड किया है. ठीक है, प्रोजेक्टेड किया है अपवर्ड डायरेक्शन में. तो सपोज दैट ये बॉडी को यहाँ से हमने प्रोजेक्टेड किया, यहाँ पहुँच गई और जाने के बाद क्या है, यहाँ एट द रेस्ट कंडीशन में आ गई. मीन्स वो बॉडी क्या हो गई, स्टॉप हो गई. स्टॉप होने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. और उसकी हाइट सपोज दैट हमने कह दिया स्मॉल एच है. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है अपना, इस कंडीशन में हमारे पास जो एसिलरेशन है बॉडी का वो कहाँ होगा, ए इस साइड होगा. लेकिन एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ वर्क करता है, टुवार्ड्स द ग्राउंड. तो जो डायरेक्शन होगी एसिलरेशन की वो कहाँ होगी, जी नीचे की तरफ होगी. ठीक है, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है. जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन प्लेस ऑफ ए इक्वल माइनस जी, मतलब जो एसिलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, वो माइनस जी होगा. ठीक है, अगर डायरेक्शन दोनों की सेम रहती थी, मतलब डाउनवर्ड कंडीशन में रहती थी, तो हम ए इक्वल जी यूज़ करते थे. व्हाट क्या है, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है तो ए इक्वल माइनस जी हम यहाँ यूज़ करेंगे. और एवो फॉर्मूला कम्स एज बी इक्वल यू प्लस ए टी और ए की जगह माइनस जी रखेंगे तो बी इक्वल यू माइनस जी टी आएगा. ठीक है, नेक्स्ट आएगा एच इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस टू जी एच और एच एन इक्वल यू माइनस हाफ जी टू एन माइनस वन. ये थ्री कंडीशंस हैं. न्यूमेरिकल सॉल्विंग के टाइम हमें देखना है कि बॉडी को प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड किया गया है, वर्टिकल अपवर्ड किया गया है, या कुछ इनिशियल वेलोसिटी है या उसके पास नहीं है. ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है. तो इस तरह से हम सारी कंडीशंस को देखेंगे, उसके बाद ही हम इन फॉर्मूलों का यहाँ से सेलेक्शन करेंगे कि कौन सा फार्मूला हमारे न्यूमेरिकल के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, उसमें यूज़ करेंगे. ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग के टाइम हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इन ऑल थ्री कंडीशंस को ये आपको बताएंगे. ठीक है.